जिनके 19वें दिन किसानों की भूख हड़ताल, कई दलों ने भी किया समर्थन। कृषि कानूनों को वापस लेने पर अड़े किसान। राशि चौहान आज करेंगे सिंचाई परियोजना का शुभारंभ। दोपहर 3 बजे मिंटो हॉल में होगा कार्यक्रम। जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे भी होंगे शामिल। सीएम भूपेश बघेल आज सरगुजा को देंगे 574 करोड़ की लागत के 101 विकास कार्यों की सौगात। अंबिकापुर में आयोजित होगा कार्यक्रम। जनसभा को करेंगे संबोधित। अब ब्यूरोक्रेट्स करेंगे बीमार सरकारी अस्पतालों का इलाज। सरकार बना रही मेडिकल डिग्री वाले आईएएस आईपीएस की लिस्ट। हमीदिया में 3 मौतों के बाद अधिकारियों को मैनेजमेंट सौंपने की तैयारी। शहडोल में नहीं रुक रहा बच्चों की मौतों का सिलसिला। रविवार को 2 बच्चों की और हुई मौत। अब तक हो चुकी है 23 मासूमों की मौत। नमस्कार, डीएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अब सरकारी अफसरों को अस्पतालों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपेगी सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब ब्यूरोक्रेट्स बीमार सरकारी अस्पतालों का इलाज करेंगे, यानी मेडिकल की पढ़ाई कर चुके आईएएस आईपीएस और सेंट्रल सर्विसेज के अफसरों को सरकारी अस्पतालों की कमान सौंपने की तैयारी सरकार कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार मेडिकल डिग्री वाले आईएएस आईपीएस की लिस्ट तैयार कर रही है। आपको बता दें कि हमीदिया अस्पताल में 3 लोगों की मौत के बाद अधिकारियों को मैनेजमेंट सौंपने की सरकार ने तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अधिकारी अब ऐसे ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट तैयार कर रहे हैं जिनके पास एमबीबीएस, पैरामेडिकल या दूसरी मेडिकल डिग्रियां हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब ब्यूरोक्रेट्स बीमार सरकारी अस्पतालों का इलाज करेंगे, यानी मेडिकल की पढ़ाई कर चुके सरकारी अफसर सरकारी अस्पतालों की कमान सौंपेंगे। वहीं ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर नीरज जुड़ गए हैं। नीरज, डीएनएन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। सबसे पहले तो मेरा यही सवाल कि सरकार ने जो फैसला लिया है कि अब ब्यूरोक्रेट्स यानी सरकारी अफसरों को सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सौंपने जा रही है सरकार, तो इस फैसले पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? मुझे इस फैसले के मामले में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन इस फैसले पर मैं अपने विचार इस तरह प्रकट करना चाहूंगा कि किन्हीं भी डॉक्टर को, कोई भी डॉक्टर जो वर्किंग डॉक्टर है सरकारी अस्पतालों में, उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्यूरोक्रेट्स हैं या डॉक्टर एजुकेशन वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ना है। मेरा इस मामले में एज ए डॉक्टर ये सोचना है कि जो वर्किंग डॉक्टर्स हैं जो जहां काम कर रहे हैं उनको पूरी तरह से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। जी, जैसे मान लीजिए बिजली की जो अभी समस्या हुई जिसके कारण प्रॉब्लम हुई, तो प्रॉपर तरीके से वहां पर अपने को जनरेटर होना चाहिए, ऑक्सीजन की पूरी तरह सुविधा होना चाहिए, दवाइयां पूरी तरह उपलब्ध होना चाहिए, और हर डॉक्टर के साथ में कुछ जूनियर डॉक्टर्स। दूसरी चीज ये है कि वहां पे नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वीपर, वार्ड बॉय, प्रॉपर तरीके से सर स्टाफ रहेगा तो डॉक्टर लोगों को काम करने में बहुत आसानी। नीरज जी, मेडिकल एसोसिएशन लगातार अब इसका विरोध शुरू कर दिया है उसने, तो क्या कुछ लगता है कि इस विरोध में मतलब डॉक्टर्स की कार्यशैली पर कितना प्रभाव पड़ेगा सरकार के इस फैसले से? देखिए, डॉक्टर लोग यदि विरोध कर रहे हैं तो डॉक्टर लोग इस चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं कि आपकी कार्य आप लोग सरकार क्या प्लान कर रही है। डॉक्टर इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि सुविधाएं प्रॉपर है नहीं, सारी चीजों में डॉक्टर के ऊपर ही परेशानी आती है, क्योंकि ब्लेम करने के लिए डॉक्टर बहुत सॉफ्ट टारगेट होते हैं कि किसी का पेशेंट यदि मान लीजिए ठीक हो गया तो डॉक्टर की बहुत ज्यादा तारीफ नहीं होती, लेकिन यदि किसी का कोई पेशेंट की मृत्यु हो जाती है असुविधाओं के कारण या कोई भी दिक्कतें होती हैं तो सीधा डॉक्टर को ब्लेम किया जाता है। कल को डॉक्टर, पहले भी हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर थे और आज भी हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब लोग बहुत अच्छे से डॉक्टर की समस्याओं को समझते हैं, तो इसके ऊपर कि डॉक्टर को सुविधाएं दी जाना चाहिए, ना कि डॉक्टर को प्रेशराइज करा जाए। जी बिल्कुल नीरज जी, सरकार का ये फैसला, मैं वही कहूंगी कि सरकार का ये जो फैसला है कि डिग्रीधारी सरकारी अफसरों को अब ये निगरानी सौंपने जा रही, तो इस फैसले से अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार आएगा? ये फैसला जबरदस्ती थोपा जा रहा है, क्या समझेंगे इसे?
नहीं, दोनों बातें हैं मैम। देखिए, सरकारी डेफिनेटली अस्पताल की व्यवस्थाओं पे फर्क पड़ेगा, और यदि आज मान लीजिए डॉक्टर रहते हैं या डॉक्टर मिनिस्टर हैं, तो ये लोग डॉक्टरों की समस्याओं से अच्छी तरह अवगत रहते हैं, और इनको डॉक्टरों को समझाना भी ज्यादा अच्छा रहेगा कि वो डॉक्टरों को, आप एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को ही अपनी परेशानी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अच्छे से समझा सकता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी ये यहाँ ये असुविधा है, इसमें ये सुविधाएं मुहैया कराई जाए, तो ये चीजें ज्यादा इजी हो जाएंगी हमारे लिए जी। लेकिन किसी चीज को प्रेशराइज करके किसी से काम करना ना, ये बिल्कुल गलत है जी। वह विश्वास सारंग ने कहा है कि इससे अस्पतालों में और प्रशासकीय कार्यों में काफी कुछ बदलाव आएगा, तो कितना कुछ सही है ये सरकार का फैसला? देखिए, सरकार में यदि जैसे विश्वास सारंग जी यदि ये कहते हैं कि इससे फायदा होगा, तो हो सकता है वो पॉजिटिव सोच रख के कोई काम कर रहे हो। वैसे भी डॉक्टरों की समस्याओं के लिए वो सदा डॉक्टरों के साथ रहते हैं, इस मामले में विश्वास जी की मैं तारीफ करूंगा। और दूसरा चीज ये है कि यदि डॉक्टर इसमें ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, तो डॉक्टर ब्यूरोक्रेट्स कोई भी है, ये डॉक्टरों की समस्याओं को समझे और सुविधाएं उपलब्ध कराएं तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अननेसेसरली प्रेशर तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता है जी। लेकिन अभी देखा जाए, हमीदिया का मामला हो या शहडोल का मामला हो, सतना का मामला हो, इसके बाद ही सरकार ने ये फैसला लिया है, तो इस पर आपके क्या कुछ प्रतिक्रिया? ये सारी चीज में जहां तक मैं समझता हूं मैम कि इसमें असुविधाएं थी, कुछ ऐसा सिस्टम में कमजोरियां थी जिसके कारण ये दिक्कत हुई है। यदि आज मान लीजिए वेंटिलेटर बैकअप नहीं है, अच्छी क्वालिटी के वेंटिलेटर नहीं है, उसमें बैटरी बैकअप नहीं है, जनरेटर ठीक से नहीं चल रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, तो इसमें वहाँ का वर्किंग डॉक्टर क्या कर सकता है जी? वर्किंग डॉक्टर को तो वहाँ पे जब सारी सुविधाएं रहेंगी तभी वो उन सब चीजों को सुचारू रूप से चला पाएगा जी। बिल्कुल नीरज जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू। वही बड़ी खबर आपको बता रहे थे। वही ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ दीपेश जैन विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं। दीपेश, क्या कुछ जानकारी है सरकारी अफसरों को, जो MBBS डिग्री धारी हैं, उन्हें अब सरकारी अस्पतालों की निगरानी की कमान सौंप दी है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, अभी देखिए सौंपा नहीं है, लेकिन विचार ऐसा चल रहा है कि ये कवायद की जाए। इसकी वजह ये है कि पिछले चंद दिनों में जो घटनाएं सामने आई है, स्वास्थ्य विभाग की एक बार पोल खुली है, और चाहे शहडोल की घटना हो या फिर भोपाल की घटना, दोनों ही घटनाओं ने कई सवाल खड़े किए, और इसके बाद सरकार को ये लग रहा है कि अगर डॉक्टर इन व्यवस्थाओं को संभाल पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं, तो फिर क्यों ना जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको ये मौका दिया जाए। देखिए, दोनों का काम और दोनों की जिम्मेदारी बिल्कुल अलग अलग होगी अगर ऐसी व्यवस्था लागू होती है तो। अभी हो ये रहा है कि जो अस्पताल के सुपरिटेंडेंट होते हैं या सिविल सर्जन होते हैं या फिर CMHO होते हैं, वो इलाज के साथ साथ, हालांकि इलाज तो कर ही नहीं पाते हैं, वो उनकी ड्यूटी में शामिल है कि वो मरीजों को देखेंगे भी, लेकिन उनके ऊपर बर्डन इतना ज्यादा होता है कि वो अस्पताल टाइम में कभी भी मरीजों को ना देखते हैं ना उनका इलाज करते हैं, एक बात। दीपेश, लेकिन मेडिकल एसोसिएशन इसका विरोध शुरू कर दिया है उन्होंने इस फैसले के बाद से, तो क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया? बिल्कुल, देखिए वो तो करेंगे ही, जाहिर सी बात है कि डॉक्टरों का एक अस्पताल में दखलंदाजी रहती है अगर वो बड़े पोस्ट पर रहते हैं तो, लेकिन मेडिकल एसोसिएशन इसका विरोध करेगा ही। लेकिन सरकार की अपनी मजबूरियां, सरकार ये चाह रही है कि अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं उनको संभालने के लिए फुल टाइम अधिकारी वहां पर नियुक्त हो। अब हो ये रहा है कि जो तमाम बड़े डॉक्टर्स थे, जो अधिकारी भी थे, वो अपने प्राइवेट प्रैक्टिस पूरी कर रहे थे, वो निजी क्लिनिक पे मरीजों को देख रहे थे, लेकिन सरकारी अस्पताल में देखने का उनके पास कोई वक्त नहीं था। अब जो अगर डॉक्टर, जो डिग्रीधारी प्रशासनिक अधिकारी के जो अफसर अगर तैनात होते हैं ऐसे अस्पतालों में, तो वो ना मरीजों को देखेंगे ना वो निजी प्रैक्टिस कर पाएंगे, उन्हें केवल और केवल अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की उन पर जिम्मेदारी होगी। तो सरकार की सोच है कि यहाँ पर फुल टाइम अफसरों को तैनात किया जाए ताकि वो केवल और केवल अस्पताल की व्यवस्थाओं पर ही ध्यान रखें, उनका ध्यान जो है भटके नहीं, यानी उन्हें इलाज भी करना है या निजी क्लिनिक भी चलाना है और फिर व्यवस्थाओं को भी देखना है, तो फिर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी जैसी शहडोल या फिर भोपाल या उसके पहले इंदौर में MBI हॉस्पिटल में हो चुकी है। अब जैसा भी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि भाई डॉक्टर इन चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकता है, तो इसीलिए सरकार डॉक्टर अधिकारियों को ही नियुक्त कर रही है जो कम से कम मेडिकल टर्म्स,
मेडिकल भाषा, मेडिकल स्थितियों को समझती है। हाँ, सरकार का फैसला तब गलत हो सकता था, जो अभी लेने वाली है या ले सकती है, कि अगर वो गैर डिग्रीधारी यानी गैर MBBS डिग्रीधारी अफसरों को अगर तैनात करती यहाँ पर, तो हो सकता है कि फिर उसका वो फैसला ठीक नहीं रहता, क्योंकि अस्पताल की व्यवस्थाओं को एक कोई साइंस से या आर्ट से या कॉमर्स का व्यवस्था या मैथ्स का अफसर नहीं समझ सकता। तो आप अगर MBBS डिग्रीधारी अफसर को जिम्मेदारी दे रहे हैं तो सरकार का फैसला हमें लगता है बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर व्यवस्थाएं अगर नहीं सुधर पा रही है तो फिर उसमें कुछ ना कुछ फेरबदल करने होंगे, वरना शहडोल, भोपाल, इंदौर और उसके पहले भी ऐसी कई घटनाएं सामने, ग्वालियर का जय आरोग्य अस्पताल जहाँ पर मरीज की आंखें में चींटी पड़ गई थी, या इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। बिल्कुल, तो सरकार का भी लगता है फैसला बिल्कुल ठीक दिशा में जा रहा है और इसे भी आजमा कर देखा जाना चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है कि डॉक्टर इसका विरोध करेंगे। जी धन्यवाद दीपेश तमाम जानकारी के लिए। वही बड़ी खबर आपको बता रहे थे, अब सरकारी अफसर सरकारी अस्पतालों की निगरानी करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे थे, अब ब्यूरोक्रेट्स बीमार सरकारी अस्पतालों का निगरानी रखेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब IAS IPS की लिस्ट सरकार ने तैयारी कर ली है, सरकारी अस्पतालों की निगरानी अब सरकारी अफसर करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर लगातार विरोध कर रहे किसान आज से भूख हड़ताल पर हैं। आंदोलन को लेकर सरकार और किसानों के बीच कोई बीच का रास्ता नहीं निकला है। ऐसे में किसानों का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। दिल्ली के नाकों पर अलग अलग जगह किसान आज अनशन पर बैठे हैं। वहीं किसानों के हक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उपवास की घोषणा की है। उधर सरकार अब किसानों ने एक बार फिर बातचीत की तैयारी में है। वहीं देश के सभी जिलों में किसान आज भूख हड़ताल करेंगे और स्थानीय प्रशासन को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। आज कृषि कानूनों का आज देश भर में किसानों की भूख हड़ताल है। कृषि कानून को वापस लेने के लिए आज किसान ज्ञापन सौंपेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन लगातार जारी है और ये आंदोलन और भी तीव्र होते जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने भी आज उपवास रखकर इस हड़ताल का हिस्सा बने हैं। आज किसान आंदोलन का 19वां दिन है। जिलों में भी किसान भूख हड़ताल करेंगे। कृषि कानून को वापस लेने के लिए ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर महेंद्र विश्वकर्मा जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, क्या कुछ जानकारी है, आज देश भर में किसान भूख हड़ताल करने जा रहे हैं और ये आंदोलन और भी तीव्र गति से बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल कृतिका, किसान आंदोलन अब बिल्कुल निर्णायक मोड़ पर है। आज से किसानों की भूख हड़ताल शुरू, जैसा आपने अभी बताया, और भूख हड़ताल के साथ अब इसमें राजनीतिक प्रश्न भी सामने आया है। केजरीवाल ने जहाँ भूख हड़ताल का समर्थन करते हुए खुद भूख हड़ताल पर बैठने की बात कही और अपने सहयोगियों से, अपने पार्टी के लोगों से बैठने की बात कही, ऐसे में आप देखें कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह सामने आए हैं। उन्होंने केजरीवाल की सारी जो इन्होंने अपने संगठन से कही या जो उपवास पर बैठने की बात कही उसको नौटंकी बता दिया जी। इस और दूसरी ओर कोर्ट का रुख भी कर चुके हैं कुछ लोग, सड़कों पर जाम हो रहा है, उसकी सुनवाई 16 दिसंबर को है और अब सरकार भी किसानों से बातचीत करने को फिर से एक बार पहल कर रही है। इसका मोर्चा अमित शाह ने संभाल लिया है और नरेंद्र सिंह तोमर और राजनाथ सिंह को अलग अलग क्षेत्रों की जवाबदारी तय कर दी गई है। महेंद्र जी, किसानों और सरकार के बीच इतने दौर की बात हो चुकी है, अभी तक कोई बीच का रास्ता नहीं निकला है और आज फिर किसान और सरकार के बीच चर्चा होने जा रही है, तो क्या कुछ लगता है सरकार किसानों के आगे झुकेगी? देखिए, अब इसमें ये तो कह पाना मुश्किल है कि सरकार झुकेगी या किसान सलाह की राह निकालेंगे, लेकिन एक बात तय है कि किसान जिस तरीके से उग्र हो रहे हैं कृतिका, ऐसे में सरकार अब इसको बैकफुट पर लेकर और सरकार किसानों से बातचीत कर रही है कि आखिर किसान मान जाए। इस किसानों ने जो रणनीति बनाई है सिंधु बॉर्डर पर और दो चार जगह और जहां किसान बैठे हुए हैं धरने पर, वहां सीधा मोर्चा अमित शाह ने संभाल लिया है। अमित शाह का सीधा कहना है कि अब
या किसानों से बातचीत वो खुद करेंगे। अभी आप देखें कि अमित शाह की केवल एक बार किसानों के साथ बैठक हुई है, अभी अब वो किसानों से लगातार बात करेंगे। हालांकि उनका जो फोकस है वो पंजाब के किसानों पर है अमित शाह का, बाकी जगह की जवाबदेही उन्होंने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राजनाथ सिंह को दे रखी है कि अब ये भी अलग अलग जगह बात करेंगे किसानों से। ऐसे में अब सरकार का क्या रुख होता है, क्योंकि सरकार पहले ही अपना रुख तय कर चुकी है कि कानून खत्म नहीं होगा, कानूनों में बदलाव की बात होगी। लेकिन ऐसे में अब जब किसान कह रहे हैं कि सिर्फ कानून खत्म करने पर ही वो अपना जो आंदोलन है वो समाप्त करने की ओर होंगे, तो इस तरीके से तो अभी फिलहाल नहीं लगता है कि बिना बातचीत के कोई हल निकलेगा, लेकिन सरकार बातचीत करने को तैयार है। कृपया महेंद्र जी, अरविंद केजरीवाल भी उपवास रखकर हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल ने हड़ताल का समर्थन किया और वो खुद भूख हड़ताल पर हैं। वो लेकिन अब यहाँ पर पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उनका सीधा बयान आया है कि अरविंद केजरीवाल नौटंकी कर रहे हैं। इस किसान आंदोलन में जो सियासी ट्विस्ट देखने को मिल रहा है उसमें ये चीज सामने आ रही है कृतिका, कि अब किसानों के साथ जो किसान अपनी बात रख रहे हैं, किसान सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं, उसमें राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। जी धन्यवाद महीन जी, बहुत बहुत आपका। आप सीधा चलते हैं नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। मैं तब भी कहता था आप लोग नहीं मानते थे कि अब जंडर बाबू आ गए। कमलनाथ जी का नेतृत्व मैं तब भी कहता था आप लोग नहीं मानते थे कि ये फिर दिखाई नहीं देंगे चुनाव के बाद। आप देख रहे हो क्या, अब तो वो जब मिलेंगे आपको ट्विटर पे पेपर पे ही मिलेंगे, या मध्य प्रदेश में मासिक अभी रहेंगे फिर तिमाही हो जाएंगे, उसके बाद छमाही आया करेंगे वो। तो कमलनाथ जी के नेतृत्व पे उंगली उठना स्वाभाविक है, बहुत जल्दी एक हाथ पर छूटेगा फिर बाकी के। दिग्विजय सिंह जी ने हर तरह के मौके देख के सबको देख लिया 15 साल में, अब तो मुझे लगता नहीं कि कोई मौका उनको जनता देगी। वो किसी को भी मौका दे दे पर जनता कांग्रेस को मौका नहीं देगी। नहीं, उसकी बेटे से कुछ नहीं होता। सर सर एक सवाल हो रही है। सर 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 गणित में कमजोर ना। आप देख रहे हैं नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है जहां नरोत्तम मिश्रा संबोधित कर रहे हैं, प्रेस वार्ता चल रही है। यहां बांध के रखना होगा, कांग्रेस में भगदड़ का माहौल है देश के अंदर। ये उनकी सारी कोशिश से अब सफल नहीं होंगी देश के अंदर, वो कुछ भी कर लें। मैं तब भी कह रहा हूं डूबता जहाज है, अब भी कह रहा हूं ये रसातल को जा रही है। आप तात्कालिक परिणाम देखो ना, हैदराबाद के अंदर मैंने बधाई दी राहुल गांधी को कि उनने अपनी स्थिति को कायम रखा, दो सीटें थी, दो की दो बचा के रखी, बड़ी बात है। आप बाकी जगह देखो चुनाव में, नहीं ऐसे नहीं करो, देखो आप मानो तेरी बात को। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पे उनके पास थी, 9 रह गई है ना। उत्तर प्रदेश में घटे वो, गुजरात में घटे वो, मणिपुर में घटे वो, हैदराबाद में घटे वो, बिहार में घटे वो। अब हैदराबाद में 2 की 2 कायम करना, घटेना नहीं देना, बड़ी उपलब्धि है कांग्रेस की। और भलाई राहुल भाई, मंत्री जी भाजपा सरकार बने लगभग 10 महीने होने को आए, अभी तक मंत्रियों को प्रभार के जिले नहीं मिले। मिल जाएंगे, आपकी प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त होंगी। ये मुख्यमंत्री जी का प्रिविलेज है, जल्दी देंगे। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सिंचाई परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस परियोजना पर सरकार पर 42,40,54,000 रुपए खर्च करेगी। कार्यक्रम का आयोजन मिंटो हॉल में किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान सिंचाई परियोजना का आज शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम दोपहर में मिंटो हॉल में होगा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अंबिकापुर में 574 करोड़ रुपए की लागत के 101 विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों को सौगात देंगे। सीएम यहां 559 करोड़ 84 लाख रुपए के 79 कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। वहीं लगभग 14 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत के 22 कार्यों का लोकार्पण भी होगा। इस दौरान सीएम राजीव गांधी कॉलेज मैदान में आम सभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव सहित अन्य मंत्री मौजूद रहेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने आज विभाग के अफसरों के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रदेश के स्कूलों को खोलने को लेकर फैसला हो सकता है। ये बैठक दोपहर में मंत्रालय में होगी। बैठक में तय होगा कि पहली से आठवीं तक के स्कूल कब खोले जाएंगे। इसके अलावा दसवीं तथा बारहवीं की परीक्षा से पहले कोर्स पूरा करने को लेकर भी समीक्षा की जाएगी। बैठक के दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री परमार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग की रोडमैप पर विभागीय कार्य योजना की समीक्षा भी करेंगे। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। भूपेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर भव्य आयोजन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। भूपेश बघेल सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं, जिस पर आज भव्य आयोजन किया जा रहा है। रामवन गमन पथ पर पर्यटन रथ यात्रा और विराट बाइक रैली निकाली जा रही है। 19 जिलों में 1575 किलोमीटर की ये यात्रा होगी। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां वन गमन पथ पर पर्यटन रथ यात्रा और विराट बाइक रैली निकाली जाएगी। भूपेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर भव्य आयोजन किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, भूपेश सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं, जिस उपलक्ष में भव्य आयोजन किया जा रहा है। वहीं ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ रायपुर से स्टेट हेड नितिन चौबे जी जुड़ गए हैं। नितिन जी, क्या कुछ जानकारी है? भूपेश सरकार के पूरे 2 साल हो गए हैं और भव्य आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, आने वाले 17 तारीख को कांग्रेस जो है वो सत्ता वापसी के 2 साल पूरे करने जा रही है। इसी उपलक्ष्य में बहुत कई आयोजन लगातार अभी से प्रारंभ हो चुके हैं। उन्हीं में से एक आयोजन जो भगवान राम का ननिहाल माना जाता है चंदखुरी, वहां को लेकर भूपेश बघेल राम वन गमन पथ को लेकर काफी संजीदा नजर आते हैं और उसी के तहत ये बाइक रैली रखी गई है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और राम जिन जिन पथों से होकर गुजरे थे पुराणिक मान्यताओं के अनुसार दंडकारण्यों के जंगलों से लेकर ऊपर उत्तर तक, तो कुल उत्तर से दक्षिण तक ये पूरी यात्रा निकाली जाएगी। एक यात्रा जो उत्तर स्थित कोरिया जिले से शुरू होगी, वहां पर जो स्थान है राम का सीतामढ़ी में हरकेचा, वहां से स्टार्ट होगी और दूसरी यात्रा स्टार्ट होगी निचले जो बस्तर तरफ है दक्षिण सुकमा जिले के रामाराम जगह से। यहाँ से ये दोनों बाइक रैलियां निकलेंगी और बाइक रैलियों का जो स्वरूप है वो मैराथन स्वरूप है। सभी एक जिले से दूसरे जिले बाइक के जो रैली कार्यकर्ता है वो वहां की मिट्टी लेकर रथ को सौंपेंगे और अगले जिले में जाकर वो जो रथ है अगले जिले के कार्यकर्ताओं के हवाले होगा। जी नितिन जी, भूपेश सरकार को आज पूरे 2 साल हो गए हैं, ये आयोजन तो हो ही रहा है, इसके बाद क्या नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठ रही है? क्योंकि जो 2.5 साल का फॉर्मूला से अभी तक छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमाई हुई थी, तो क्या अब नेतृत्व परिवर्तन होगा? देखिए, साफ तौर पे जब 2 साल पूरे होने के बाद टीएस सिंहदेव के कुछ बयान हमने जो चलाए, उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान आया, साफ तौर पे दोनों के जो बयानों का एक निचोड़ निकाला जाए तो वो यह है कि हाईकमान जो चाहेगा उसी पे सब कुछ निर्भर होगा। कई कयासों में ये माना जा रहा था जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है
जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव के बीच में इस तरह का ढाई ढाई साल के जो मुख्यमंत्री का है वो बंटवारा है। लेकिन इन कयासों पे कुछ भी कहना अभी संभव नजर नहीं आता, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने साफ तौर पे कहा था कि शीर्ष नेताओं के बीच में एक बंद कमरे में जो मंथन और बैठक होती है उसको सार्वजनिक रूप से बाहर लाना मर्यादा के खिलाफ रहता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि अगर हाईकमान चाहेगा तो वो किसी भी टाइम नेतृत्व तो परिवर्तन कर सकता है। वही चीज पिछले दिन दो दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उस दौरान भी उनने साफ तौर पे कहा, अगर इस तरह की कोई बात है हाईकमान के आदेश से ही मैं मुख्यमंत्री बना हूँ, हाईकमान चाहेगा मैं दूसरे दिन उसी पर इस्तीफा दे दूंगा। सब कुछ जो दारोमदार है, दोनों विधायक जो और मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, वो सब कुछ दारोमदार हाईकमान के आदेश पे नजर दिखाते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद नितिन जी तमाम जानकारी के लिए। वही बड़ी खबर आपको बता रहे थे, आज भूपेश सरकार को 2 साल पूरे हो गए हैं और भव्य आयोजन किया जा रहा है, 19 जिलों में बाइक रैली भी निकाली जा रही है। वही इस वक्त की बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं, जहां अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं, बाणगंगा नाम नगर में लकी ठाकुर के यहां अवैध का निर्माण पर कार्रवाई की गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं, अवैध निर्माण को लेकर भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। इंदौर में लगातार ये कार्रवाई की जा रही है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से अवैध निर्माण पर प्रशासन की और नगम अमले की कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं, अवैध निर्माण को हटाने के लिए नगर निगम का अमला पहुंचा है। जिला प्रशासन लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं नगर निगम का बुलडोजर अवैध निर्माण पर चलाया जा रहा है। अवैध निर्माण हटाने के लिए जिला प्रशासन की लगातार कार्रवाई जारी है। प्रशासन भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त नजर आ रहा है, जिसके चलते इंदौर में लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। वहीं ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ इंदौर संवाददाता सचिन शर्मा जुड़ गए हैं। सचिन, क्या कुछ जानकारी है? भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है और आज एक और बड़ी कार्रवाई। निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने और नगर निगम की संयुक्त टीम ने एंटी माफिया ऑपरेशन जो शुरू किया है, अब 2 दिन के अंतराल के बाद आज फिर 2 जगह कार्रवाई को अंजाम देगा। आज सुबह हुई इस कार्रवाई में एक तो लक्की ठाकुर उर्फ हेमंत पुंदेला के निवास को ढाया गया। ये लगातार अपराधों की दुनिया में संगीन अपराध इसके ऊपर दर्ज थे। इसके अलावा एक इस्लाम पटेल खजराना क्षेत्र में गुंडे का मकान ढाया गया, ये भी नशे के कारोबार में लगातार सम्मिलित रहा और कई मामले इसके ऊपर एनडीपी एक्ट के तहत दर्ज थे, जिसके तहत इन दोनों का लिस्ट में नाम लिया गया और आज इसके मकान दोनों के मकान पर कार्रवाई आज फिर से शुरुआत की गई है। जी बिल्कुल सचिन, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं, भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।